चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। मानव जीवन अनमोल है शास्त्रों की माने तो 84 लाख योनियों के बाद मानव शरीर मिलता है। हमारे माता पिता हमारे लिए कितनी मन्नतें और दुआएं मांगते हैं और हमारे लालन पालन में कितने कष्ट माँ उठाती है। हमारी शिक्षा दीक्षा पर अपनी हैसियत से अधिक खर्च भी करते हैं वे हमें एक बेहतर और कामयाब इंसान के रूप में देखना चाहते हैं। मानव जीवन के कुछ मायने हैं। हम बुद्धि और कौशल में अन्य प्राणियों से बेहतर हैं, फिर भी अपना समय परनिंदा, ईर्ष्या, राग द्वेष, शिकायतों और व्यर्थ के कामों में खोते रहते हैं। इस तरह जीने को जीना नहीं माना जा सकता। इस सत्य को स्वीकार करके अपना परिष्कार करने की आवश्यकता है। अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करनी चाहिए कि हमें क्या करना है। उससे ज्यादा हमें यह पता होना चाहिए कि हमें क्या कुछ नहीं करना है। जब हम किशोर से युवा होने की ओर बढ़ते हैं तब हमारे विचारों में प्रौढ़ता और परिपक्वता आने लगती है। हम किसी विषय वस्तु विचार या घटना आदि के प्रति अपना नजरिया बनाने लगते हैं। सच्चे अर्थों में यही दृष्टि निर्माण कहलाता है। यहाँ हमारे परिवार, गुरुजनों, मित्रों और हमारे द्वारा पढ़ी जा रही किताबों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यही वे स्रोत हैं जो हमारे दृष्टिकोण को आधार और आकार देते हैं। हमें सावधानी से इस दिशा में चिंतन मनन करना चाहिए। आमतौर पर विद्वानों का समय साहित्य को पढ़ने और मनोविनोद के अन्य संसाधनों में व्यतीत होता है। इसके विपरीत ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका समय व्यसनों या बुरी आदतों, सोने और झगड़ा करने में व्यतीत होता है। हमें अपने बारे में गौर करना चाहिए कि हम किस पायदान पर खड़े हुए हैं। पशुओं से अलग होने के लिए कुछ लिप्साओं से अलग होना होगा, तभी हम मनुष्य कहलाने के सच्चे अधिकारी कहे जाएंगे। हम बेनम्र हो, मृदुभाषी हो, दूसरों के प्रति संवेदनशील और निज कर्तव्यों के प्रति जागरूक और सचेत हो, सहयोग और सहकार की भावना से प्रेरित हो, मानवीय गुणों को धारण करें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, किसी का अहित करने का विचार मन में न लाए, मन वचन और कर्म से अहिंसक रहें। इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। ऐसा करके हम एक सुंदर, सुखद और सहयोगी समाज का निर्माण कर सकते हैं। पैरा सौदेश्य जीवन सरल, सहज और सुंदर होता है। उसे अपने लक्ष्य को पाने की ललक बनी रहती है। वह निराशा में भी आशा की किरण ढूंढ लेता है। असफलताओं से घबराता नहीं है। लगन और परिश्रम को अपना पाथे बना लेता है और जीवन यात्रा में अविराम चलता रहता है। प्रतिकूल धाराओं यानी परिस्थितियों में विचलित हुए बिना जो योजनाबद्ध तरीके से काम करता रहता है वही विजेता कहलाता है। भारत के एक कामयाब क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का कहना है कि हमें अपना ध्यान
परिणाम पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर केंद्रित रखना चाहिए। परिणाम अपने आप बेहतर होगा। काम करते समय हमारा ध्यान अपने सबसे अच्छे अभ्यास पर होना चाहिए। सकारात्मक सोच और विवेकपूर्ण निर्णय हमेशा हमें आगे रख सकते हैं। जब हम स्वयं से अधिक पर के लिए सोचते हैं तो हमारी नियत पर नियति मेहरबान हो सकती है। पैरा एक पहलू यह भी है कि हमें अपने सभी कार्य और व्यवहार अच्छे लगते हैं और यह स्वाभाविक है, पर हमारे कार्य व्यवहार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कितने लोग जुड़े हुए हैं, उन पर उनका कैसा प्रभाव होगा और वे हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, बस इतना ध्यान रख लेना चाहिए। हम सही दिशा में आगे बढ़ने लगेंगे। जिस दिन से आप खुद को समझदार और जिम्मेदार नागरिक के साचे में डालना शुरू कर देंगे, हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएंगे। प्रगति के द्वार खुलने लगेंगे। दिन के 24 घंटे सबके लिए समान है। किसी से वक्त काटे नहीं कटता, तो कोई सोचकर और कोई रो रो कर वक्त काटता है, मगर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें यह समय कम पड़ जाता है। सफलता की इबारत ऐसे लोग ही लिखते हैं। कब कहाँ कितना समय देना है यह स्पष्ट होना चाहिए। जीवन में स्पष्टता बहुत जरूरी है। वह बातों में, काम में और में आ जाए तो जीवन जीने हो जाए। काम करने के बाद बारे में हमारी राय जब बेहतर है, तब हमारी मनोदशा को, संसाधनों को सहजते हुए सबको व्यवहार योग्य अपने होती चेहरे पर पड़ा जा सकता है। वहां एक संतोष से भरा मुस्कान दिख सकता है। साथ लेकर वस्तुओं का सीमित उपयोग करते हुए परस्पर संबंधों में खुशियां ढूंढते हुए समझदारी के साथ जीवन को जीना ही सबसे बड़ी कला है। आनंद में जीवन ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। अपना संतोष जरूर प्राथमिक होना चाहिए, लेकिन इसका स्रोत यह हो कि हमारे विचार और व्यवहार से दूसरों को थोड़ी खुशी मिले, अपने व्यक्तित्व का हनन होता न हो लगे। हमसे मिलने वाली दूसरों की खुशी से हमें जो खुशी मिलेगी उसका स्वाद अलग होगा, हमारे भीतर गहरे तक उतरेगा। पैरा यह एक दर्दनाक सच्चाई है कि पूरे विश्व में तस्करों के गिरोह लाखों नौनिहालों का बचपन छीन रहे हैं। इस समय विश्व में बच्चों की तस्करी का अवैध कारोबार 150 अरब डॉलर वार्षिक से अधिक का हो चुका है। भारत के कई राज्यों में भूमिगत शिशु तस्कर गिरोह सक्रिय हैं, जो माता पिता की गरीबी का फायदा उठाते हैं। सरकारी अस्पतालों में ढीली सुरक्षा व्यवस्था के कारण हर वर्ष हजारों नवजात शिशु तस्करों के हवाले कर दिए जाते हैं। इसमें चिकित्सा क्षेत्र के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को बड़ी संख्या में शामिल पाया गया है। पैरा आमतौर पर नशीली दवाओं के धंधे में शामिल तस्कर गिरोह बड़ी खूबसूरती से माता पिता को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे उनके बच्चे का भविष्य बेहतर बना सकते हैं। तस्करी
के शिकार बच्चों की पहचान करना कठिन होता है, क्योंकि उन्हें जानबूझकर उन सेवाओं और समुदायों से छिपाया और अलग थलग रखा जाता है जो उन्हें पहचान कर उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। तस्करों के अंतर्राष्ट्रीय संजाल में छोटे से छोटे क्षेत्र भी चिन्हित होने लगे हैं, जहां उनके मुखबिर किस्म के एजेंट अनाथालयों, बाल सुरक्षा गृहों, अस्पतालों आदि में सक्रिय रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक तस्करी के शिकार शिशुओं में से लगभग 60% को बड़े होने पर कृषि बाल श्रम में लगा दिया जाता है। ऐसे बच्चों से घरों, खेतों, कारखानों, रेस्तरों आदि में काम कराया जाता है। यौन शोषण के साथ ही उन्हें भीख मांगने, सशस्त्र बलों और नशीली दवा व्यापार में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। गरीबी दुनिया भर में बाल तस्करी का प्रमुख कारण है। समाप्त।